अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ शरिया विद न्यू एपिसोड ऑफ माय प्रोग्राम चलते चलते। आज मैं लाइब्रेरी में आया, थोड़ा सा मेरा काम था, कुछ मुझे प्रिंट आउट्स लेने थे। तो जब मेरा प्रिंट आउट ख़त्म हो गया, तमाम काम ख़त्म हो गया, तो मुझे ये सोच में आया कि ये लोग जहन्नुम में जाएंगे, ये लोग जहन्नुम की आग में जलेंगे और मुसलमान जन्नत जाएंगे। मुसलमान जो मुसलमान होकर हर गलत काम करता है, मिलावट से लेकर, जना से लेकर, धोखेमारी से लेकर, बच्चों के साथ रेप करने से लेकर, मुल्क का ख़जाना खाली करने से लेकर, मुल्क के खिलाफ गद्दारी करने से लेकर, हर गलत काम मुसलमान में दाढ़ी रख कर, ईमान का निशान बनकर दाढ़ी रख कर, और ये लोग क्या गलत काम कर रहे हैं। जबकि ये लोग जिनके चेहरे पे ना दाढ़ी है, ना उनमें ईमान है, ना वो अल्लाह को जानते हैं, ना वो किसी पैगंबर को जानते हैं, इतनी ईमानदारी के साथ और आपको वो फैसिलिटीज़ देते हैं कि आप ये सोचते हो ये लोग जहन्नुम क्यों जाएंगे। इन लोगों को जहन्नुम नहीं जाना चाहिए। हम लोग मुसलमान बाय चॉइस नहीं है, हम लोग मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए और वी आर लकी कि हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए। अगर हम मुसलमान घरानों में ना पैदा हुए होते और हमारे अमाल वही होते जो कि अभी हमारे अमाल हैं, तो हम दुनिया के लिए आज़ाब बने होते। ये लोग मुसलमान घरानों में पैदा नहीं हुए, ये एथियस्ट हैं, ये एग्नोस्टिक्स हैं, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। इट्स नॉट बाय चॉइस, ये उस माहौल में पैदा हुए जहाँ अल्लाह का तसव्वुर नहीं था, वो उसको फॉलो कर रहे हैं जिस तरीके से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर मेरा ईमान है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कहने का सिर्फ मकसद ये है कि सिर्फ मुसलमान होना और अल्लाह का नाम लेना काफ़ी नहीं। मुसलमानों, इस्लाम इससे बहुत ज़्यादा आगे है। इस्लाम का मतलब है किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, किसी के दुख को समझना, किसी की तकलीफ़ को समझना। मैं कसम खुदा की मेरा दिल जल गया और मेरा दिल रो रहा है कि ये लोग क्यों जहन्नुम में जाएंगे। इन लोगों को अल्लाह हिदायत दे, या आप लोगों को वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपसे कोई फ़ायदा नहीं इनको, लेकिन लोगों ने एक सिस्टम बना लिया है। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम का, इस्लाम का जो हकीकी मानी है वो इन लोगों ने सीखा और ये वो आके दे रहे हैं, सोशल बेनिफिट्स दे रहे हैं। खैर, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, जो कि सोशल बेनिफिट्स ये लोगों को देते हैं। और जिस तरीके से उमर ला है, हज़रत उमर सबसे पहले ये ओल्ड बेनिफिट्स, ओल्ड एज बेनिफिट्स एंड ओल्ड हाउसेज, और वो सब हज़रत उमर ने सबसे पहले ये ओल्ड एज बेनिफिट्स और चाइल्ड बेनिफिट्स और चाइल्ड अलाउंस ही उन्होंने वो किया था, इन लोगों ने अपनाया। मास्क हर जगह पर, सैनिटाइज़र में, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगा, कोशिश करूँगा कि छोटी वीडियो बनाऊँ, बस आप देखें। ये वो फैसिलिटीज़ हैं जहाँ लोग खड़े होकर अपना काम करते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं, अगर आपके पास प्रिंट नहीं, तो यहाँ आकर आप प्रिंट करें। ये देखें सैनिटाइज़र, साथ में वाइप्स, और कोई भी नहीं उठा रहा ना चुरा रहा है। लोग यहाँ प्रिंट आउट कर रहे हैं, सब खड़े होकर प्रिंट आउट कर रहे हैं। यहाँ से आके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यहाँ आप स्कैन कर सकते हैं। ओके, पहली दफ़ा है जो कि मैं ये फैसिलिटीज़ आपको बता रहा हूँ। पुरमन, यहाँ लोग देखें बैठ के लोग लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, किसी को किसी की फिक्र नहीं, खामोशी के साथ सफाई हो रही है, सामने सफाई की जा रही है, अपना दिन का काम किया, रूल को फॉलो किया जा रहा है, कोई हड़बड़ नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। ईमानदार लोग हैं, खुदा की कसम पाकिस्तानी, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। आप लोग घटिया ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपसे कुत्तों वाला सलूक हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों, आपसे कुत्तों वाला सलूक हो रहा है। इमरान ख़ान को मत खोना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे उम्मीद है कि इसको दो तीन चांस मिल गए, आपको वो पाकिस्तान देगा जहाँ लोग आएंगे बाहर ममालिक से। अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करे। ये गज़रदारी, बिलावल, मरियम, मौलाना, ABC, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे, और ये करेंगे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क अगर इनके हाथ में पाकिस्तान चला गया। ये तो अल्लाह ने इमरान खान को कहीं से निकाला और यहाँ ला के भेज दिया, जिसको यहूदी एजेंट बोलते हैं और जिसको मुख्तलिफ एजेंट बोलते हैं। आई एम बीइंग सो इमोशनल क्योंकि मैंने यहाँ अपना काम किया और अभी मेरा काम ख़त्म हुआ, तो मैंने बोला यार ये वो लोग हैं जिनको जन्नत में जाना चाहिए। पाकिस्तान में जो मौलवी हैं, जो मदरसों में क्या कर रहे हैं, जो जिस तरीके से इस्लाम का मकसद
चार शादियां कर लेना है इस्लाम का मकसद टेढ़े वडे कर लेना नहीं है भाई, इस्लाम का मकसद तो पेट पे पत्थर बांधना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे पत्थर बंधे होते थे। आप लोगों को ये बात समझ आ रही है? बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को, लेकिन ऐसा लीडर जो पाकिस्तानियों को सीधे रास्ते पर ले जाए। लेकिन आपको बताऊँ, सिर्फ लीडर से बात नहीं ना, आप लोगों से भी बात है, मुझसे भी बात है। मैं पाकिस्तान में हूँ तो सबसे पहले सैनिटाइज़र को वाइप क्यों, मैं हूँ तो सबसे पहले वाइप्स वाइप की हूँ, मैं हूँ तो मैं हर गलत काम करूँ, कोई पाकिस्तानी यहाँ आके ठीक हो जाते हैं। तो आपको अपने आप को भी ठीक करना पड़ेगा। आपके हाथ में रैपर होता है चॉकलेट का, आप उसको नहीं फेंकते क्योंकि आप उसको बिन में फेंकते हैं। हर जगह पर सैनिटाइजर है। एनीवे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह पाकिस्तान को आबाद करे, अल्लाह आपको वो तमाम फैसिलिटीज़ है जो यहाँ के लोग इंजॉय कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ से मिले। इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।